हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो देखो भाई, जो लोग सैमसंग के 5G फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ है। तो सैमसंग ने इन दिनों जो है ना 4G फ़ोन की बिल्कुल लाइन लगा दी, जैसे कि A32 4G, A52 4G, A72 4G, सभी फ़ोन इंडिया में 5G बन के आ सकते थे, लेकिन इंडिया में 4G फ़ोन ही लॉन्च हुए। बहुत से लोग निराश हुए, अभी बहुत से कमेंट्स आते हैं कि क्या इन फ़ोन को अभी खरीद लिया जाए या फिर 5G का वेट करें। तो देखो, अगर हम बात करें इस फ़ोन की, जो कि F62, ये जो है ना 5G रेडी स्मार्टफोन हो सकता था, क्योंकि इसमें आपको जो Exynos 9825 देखने मिलता है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है इसके 5G मॉडेम को, लेकिन यहाँ पे मॉडेम नहीं डाला गया तो ये 4G रह गया और इंडिया में इसको 4G ही लॉन्च किया गया। तो देखो भाई कि बहुत लोग चाहते हैं कि वो 5G फ़ोन खरीदे, क्योंकि 1 से 1.5 साल में इंडिया में 5G आ जाएगा और हर एक बंदा तो 1 साल में फ़ोन चेंज नहीं कर सकता, तो वो चाहता है कि उसके पास में ऑप्शन रहे, जैसे ही 5G इंडिया में आए तो वो सिम कार्ड लगाए और 5G फ़ोन यूज़ कर पाए। तो ऐसे बहुत लोग सोच रहे हैं और सही बात भी है। तो देखो कि अगर आप भी 5G फ़ोन खरीदना चाहते हैं सैमसंग का, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि सैमसंग जो है ना M62 नाम से अपना एक 5G फ़ोन इंडिया में लॉन्च करेगा और ये जो है ना BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर लिस्ट हो चुका है। तो ऐसे में बहुत जल्द इंडिया में फ़ोन देखने मिलेगा और ये जो M62 है ना, ये फ़ोन बिल्कुल एकदम सेम है F62 के जैसे, यानी कि यही फ़ोन है, बस इसको रीब्रांड करके उसमें आपको देखने मिलता है एक 5G मोडेम, जो कि होगा खुद का Exynos का 5100 5G मोडेम। तो 9825 जो है वो 5G रेडी फ़ोन है, लेकिन उसमें आपको मोडेम देखने नहीं मिलता इसमें, लेकिन उसमें मिलेगा तो वो फ़ोन होगा 5G और ये इंडिया का M सीरीज़ का पहला सैमसंग का 5G फ़ोन होने वाला है। ओके, तो अभी हम बात करें स्पेक्स की, तो लगभग सेम होंगे, ये जो M62 है बिल्कुल आपको सेम देखने मिलेगा। ये जो आप देखो F62, इसमें आपको देखने मिलती है सुपर AMOLED प्लस की डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ का डिस्प्ले, बड़ी सी बैटरी, 7000 mAh की, 25 वाट का फास्ट चार्जर, 64 MP का मैम प्राइमरी कैमरा, 12 का अल्ट्रा वाइड, 5 का डेप्थ, 5 का माइक्रो सेल्फी कैमरा, 32 का, और नॉक सिक्योरिटी आपको इसमें देखने मिलती है, 1 UI 3.1 है, वो भी फुल फ्लैश है। इसके बाद में आपको सभी फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि सिक्योर फोल्डर, ऑल जी लाइव, एज लाइटिंग, एज पैन, सब कुछ आपको देखने मिलता है। तो सब कुछ फोन ऐसे ही होने वाला है, बस उसको रीब्रांड करके आपको इंडिया में M62 नाम से देखने मिलेगा, जो कि होगा 5G फोन। तो देखो भाई कि ये फोन जो है ना बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है, लगभग आप बोल सकते हो कि ये फोन अप्रैल महीने के एंड तक लॉन्च हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ये लिस्ट हो चुका है तो इंडिया में जरूर से आने वाला है। तो जो लोग सोच रहे थे कि 5G फ़ोन बाय करना है सैमसंग का, तो वो लोग बिल्कुल वेट कर लो, अभी आपको बस 1 से 1.5 महीने का वेट करना है, उसके बाद में आपको एम सीरीज़ का M62 आने वाला है, जो कि यहाँ पे 5G होगा, उसके बाद में आपको बहुत सारे और 5G फ़ोन देखने मिलने वाले हैं। तो जो लोग 5G फ़ोन ही खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वेट कर लो, डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है। और प्राइस की बात करें तो इससे लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देखने मिल सकते हैं, तो आप उतना मैच कर लेना, यानी कि 30,000 से अंदर के फ़ोन होने वाले 5G फ़ोन, और उसके ऊपर आपको बहुत से डिस्काउंटेड ऑफर भी आने वाली है। तो डेफिनेटली ये न्यूज़ मैंने आपको देनी थी, तो आपके लिए वीडियो बना करके दे दी। अगर आप 5G फ़ोन खरीदना चाहते हो तो वेट कर लो, सैमसंग बहुत जल्दी M62 लॉन्च करेगा, उसके बाद में आपको और भी बहुत से स्मार्टफोन देखने मिलने वाले हैं, और जो M62 होगा वो बिल्कुल सेम यही फ़ोन होगा, बस उसमें आपको 5G देखने मिलेगा। और ये फ़ोन बहुत ही कमाल का है और सच में ऑसम है, और ये अच्छा फ़ोन है, इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा। तो अगर ये 5G फ़ोन आता है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फोन खरीद सकते हो। बस इतना आज के वीडियो में, बाय बाय।